नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर हम हाजिर हैं, जो कि यह चंद्र राशि पर आधारित है। मित्रों, यह महीना किस तरह से प्लान करें ताकि पूरा महीना खास बने, जानने के लिए अंत तक जरूर बने रहें। वृश्चिक राशि वाले जातक, अगर एक दो पक्षों को छोड़ दें तो यह महीना आपके लिए शानदार रहने वाला है। जीवन के अधिकतर क्षेत्रों में समय आपके लिए अनुकूल है। करियर की दृष्टि से यह महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरी में तरक्की हो सकती है, काम धंधे में बरकत होगी और विस्तार भी संभव है। शिक्षा की दृष्टि से यह समय अच्छा नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है। उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए यह समय सफलता वाला है। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। घर परिवार का माहौल आपके चित्त की प्रसन्नता में वृद्धि होगी। संतान की ओर से अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। प्रेमियों के लिए माह की शुरुआत थोड़ी हल्की रहेगी, लेकिन उसके बाद जीवन में प्रेमियों की रसधार बहेगी। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा, लेकिन आप अपने कार्यों से उसमें विघ्न डाल सकती हैं। आपके लिए सलाह है कि विवाहितर संबंधों से बच के रहें। आर्थिक स्थिति के लिहाज से यह महीना वर्ष के सबसे बेहतरीन समय में से एक रहने की संभावना है। आप नौकरी करती हैं या व्यापार करती हैं या फिर कोई छोटी मोटी रोजगार करती हैं, आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। यह महीना बस स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए सुखद नहीं है। शारीरिक समस्याओं से पीड़ित रह सकते, इसलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो आपके ग्रह नक्षत्रों पर दृष्टि डालें तो आपके लिए इस महीना करियर के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहने की संभावना है। ग्रहों के सेनापति मंगल और शुक्र की दशा में स्थित है और बृहस्पति की उस पर दृष्टि है। यह युति करियर के लिए बहुत उत्तम है। व्यापार स्वरोजगार करने वालों के लिए काम में उन्नति होगी और काम का विस्तार हो सकता है। नए कारोबारी संबंध बन सकती है जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। स्वरोजगार करने वालों की अपने काम की गुणवत्ता की वजह से प्रशंसा होगी, जिसके परिणाम स्वरूप उनके ग्रहों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। नौकरी करने वालों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में ग्रहों का राजा कर्क राशि से सिंह राशि में चले जाएंगे और उनका गोचर दशम भाव में हो जाएगा, जो करियर और व्यवसाय का भाव होता है। इसके परिणाम स्वरूप वृश्चिक राशि जातकों के करियर के लिए समय और अच्छा हो जाएगा। नौकरी पैसा लोगों का प्रमोशन हो सकता है। वेतन और भत्ते में भी वृद्धि हो सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना है। वृश्चिक राशि वाले लोगों का राहु इस समय उत्तम फल देने वाला है। यह समय व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। अगर बुद्धि विवेक से काम लेंगे तो व्यवसाय में काफ़ी लाभ होने की संभावना है। अगर आपके आर्थिक स्थिति को लेकर बात करें तो वृश्चिक राशि जातकों का आर्थिक पक्ष इस महीने बेहतरीन रहने की संभावना है। आपके ग्रह गोचर बता रहे हैं कि यह पूरा महीना ही बहुत अच्छा रहने वाला है। पूर्वार्ध अच्छा रहेगा तो उत्तरार्ध भी अच्छा रहेगा, साथ ही आपकी आय के स्रोतों में बरकत होगी। पंचम भाव के स्वामी और ग्रहों के राजा सूर्य 17 अगस्त को दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा साबित होगा। वहीं बुध और शुक्र 26 अगस्त को एकादश भाव में पहुंच जाएंगे, जो लाभ का भाव होता है। यह सोने पे सुहागा वाला स्थिति साबित होगा, आपको शानदार लाभ मिलेगा। आपकी आय के जो नियमित स्रोत है उनसे पहले की अपेक्षा ज़्यादा आय होगी,
तो वहीं आय के नए साधन भी विकसित होंगे। परिजनों और मित्रों के सहयोग से भी आय के नए स्रोत बन सकती हैं। कोई रुका हुआ पैसा जिनके मिलने की उम्मीद नहीं था, अचानक वह वापस मिल सकता है। अगर सरकारी विभाग के साथ किसी तरह का लेन देन करती हैं तो बहुत दिन से अटके हुए किसी बिल का भी भुगतान हो सकता है। माता पिता, घर के किसी बड़े बुजुर्ग से धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है और खर्च भी नियंत्रण में रहने की संभावना है, जिसके कारण धन का संचय करने में भी आप सफल रहेंगे। वृश्चिक राशि जातकों के लिए अगर सेहत को लेकर बात करें तो यह महीना आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा समस्या भरा साबित हो सकता है। आपकी राशि में केतु की उपस्थिति है और उस पर मंगल की दृष्टि है। छाया ग्रह और गर्म स्वभाव के मंगल की यह युति आपके स्वास्थ्य के लिए समस्या पैदा करने वाली है। आप बुखार से पीड़ित रह सकती हैं और खांसी, जुकाम, सिर दर्द आपको परेशानी में डाल देगा। शरीर में दर्द से भी परेशान रहेंगे और समस्याओं को यह सोचकर नज़रअंदाज न करें कि ये अपने आप ठीक हो जाए। इस महीना स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जरूरत के अनुसार चिकित्सक से परामर्श ले सकती हैं और दवाओं और पथ्य का ठीक से सेवन करें। अपनी दिनचर्या को ठीक रखें और खान पान पर पूरा नियंत्रण रखें। जरा सी भी लापरवाही करेंगे तो अस्पताल तक भी जाने का नौबत आ सकता है। यह सोच हमेशा मन में रखें कि जान है तो जहान है। प्रेम व वैवाहिक जीवन को लेकर बात करें तो प्रेम संबंधों की दृष्टि से अगस्त का महीना वृश्चिक राशि जातकों के लिए मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा। रिश्ते में थोड़े गम रहेंगे और थोड़ी खुशियां भी होगी। साथ ही महीने के पहले कुछ दिनों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ग्रहों के सेनापति मंगल गर्म मिजाज के ग्रह हैं और उनकी दृष्टि पंचम भाव पर है, जो प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल नहीं है। इस दौरान प्रेमी युगलों को आपस में कुछ समस्याएं हो सकती है। मिलने जुलने का अवसर नहीं मिल सकता, जिनसे मन में खिन्नता आ सकती है। किसी बात को लेकर तनातनी हो सकता है, मतभेद भी हो सकता है और लेकिन धैर्य रखें क्योंकि अच्छा समय आने वाला है। 11 अगस्त से ग्रह दशा बदलेगी। इस दिन सुखकारक ग्रह शुक्र का गोचर एकादश भाव में हो जाएगा। इसके बाद प्रेम संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा। प्रेमी प्रेमिका के बीच प्यार बढ़ेगा और रिश्ते में गाढ़ापन आएगा। मिलने जुलने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे, जिसमें मन गुलाब की तरह खिला खिला रहेगा। साथ में कहीं घूमने जाने का भी मौका मिल सकता है। प्रेम से वंचित लोगों के जीवन में भी प्रेम दस्तक दे सकता है। किसी को साथी बनाने की तमन्ना पूरी हो सकती है। विवाहित जातकों के लिए यह समय प्रेमी युगलों जैसा शानदार तो नहीं रहेगा, लेकिन ठीक रहेगा। राहु की सप्तम भाव में स्थिति शादीशुदा लोगों के लिए ठीक रहेगी। आपके जीवन साथी में हाजिर जवाबी खूब देखने को मिलेगा। शुक्र के एकादश भाव में जो आय का भाव होता है, उसमें जीवन साथी का आर्थिक लाभ मिल सकता है और लेकिन दाम्पत्य जीवन को ठीक से चलाए रखना चाहती हैं तो विवाहितर संबंधों से बच के रहें, क्योंकि आपके ग्रह गोचर ऐसे संबंधों से संकेत मिल रहे हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वृश्चिक राशि जातकों के लिए अगर पारिवारिक जीवन को लेकर बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन की दृष्टि से भी यह महीना कुल मिलाकर अच्छा रहने की संभावना है। हालांकि थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन वे पारिवारिक जीवन में ज़्यादा बाधाएं नहीं खड़ी कर पाएगी। आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति की उपस्थिति है, जो माता आनंद, शुभ प्रॉपर्टी आदि का भाव होता है। इस भाव में देवगुरु की उपस्थिति सुख देने वाला है। माता का सानिध्य मिल सकता है
और पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। हालांकि इस भाव पर मंगल की दृष्टि होने से कुछ समस्या आ सकती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, शुक्र की दृष्टि उत्तम है जो इन समस्याओं को अनियंत्रित नहीं होने देगी। परिवार में सुख शांति और सौहार्द का वातावरण रहेगा। परिवार के सदस्यों में आपसी तालमेल बढ़ेगा और सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जिससे परिवार का संग सुचारू ढंग से चलता रहे। 11 अगस्त को शुक्र का गोचर एकादश भाव में होगा और वहां से वह पंचम भाव में देखें। वृश्चिक राशि जातकों के लिए अगर उपाय की बात करें तो मंगल ग्रह के बीच मंत्र ओम क्रा क्री सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। मंगल की शांति के लिए मंगलवार का व्रत, हनुमान मंदिर में दीपदान, बजरंग बाण का पाठ और सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमत लंगूर स्त्रोत का पाठ करें और सिंदूर डालकर स्नान करें। वृश्चिक राशि जातकों के लिए ये था इस महीने का उपाय। मित्रों, अगर इन सभी जानकारियों से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। धन्यवाद।